दोस्तों टूरिंग हाइकिंग एंड फूड्स की टीम आज लाहौर में मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद है। आज की वीडियो ये पार्ट टू है इससे पहले आने वाली वीडियो का। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको इस कब्रिस्तान की मशहूर शख्सियात और उनकी कब्रें दिखाई थी। आज की वीडियो में भी हम आपको इस कब्रिस्तान में मौजूद मशहूर शख्सियात और उनकी कब्रें दिखाएंगे। हमारे बहुत से नाज़रीन जो हमारा चैनल देखते हैं उन्होंने हमें कमेंट्स में कहा कि आप हमें मशहूर शख्सियात की कब्रें दिखाएं। स्पेशली इंडिया से हमारे एक व्यूवर हैं कपिल राणा, जिन्होंने कहा कि शहीद मोहब्बत बूटा सिंह की कब्र आपने हमें ज़रूर दिखानी है। तो अभी हम मियानी साहब पहुँचे हैं, आए मेरे साथ चलते हैं और चलकर बूटा सिंह की कब्र देखते हैं। जी तो दोस्तों अब हम मौजूद हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के मज़ार पर, और वासिफ़ अली वासिफ़ के हवाले से आपको ये बताते चलें कि इनके मज़ार और इनकी शख्सियत से मुतल्लिक एक वीडियो हमारी अलग से अपलोड हो चुकी है और आपने उस पर पज़ीराई भी बहुत दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो पहली शख्सियत आज हम आपको दिखा रहे हैं वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का ये मज़ार है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात भी बताता चलूँ कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ 1929 में पैदा हुए और 1993 में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। वो एक काबिल एहतराम पाकिस्तानी मुसन्निफ़, शायर और सूफ़ी थे। ज़िंदगी, रूहानियत और इंसानी फितरत के बारे में अपने गहरे ख्यालात के लिए जाने जाते थे। जी तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के जो चंद एक मशहूर चीफ़ जस्टिस साहिबान रहे हैं उनमें से एक की कब्र पर, चीफ़ जस्टिस नसीम हसन शाह की कब्र पर। वो लोग जो लेट 80s या अर्ली 90s में पॉलिटिक्स का इल्म रखते हैं वो नसीम हसन शाह को बखूबी जानते होंगे। जी तो दोस्तों इस कब्रिस्तान में जहां हम मशहूर हस्तियों की कब्रें तलाश कर रहे हैं उन्हीं की तलाश में एक कब्र ये माजी की एक गुलकारा और फिल्म एक्ट्रेस रीना जी की कब्र है। रीना 1988 में वफात पा गई थी। उनका एक मशहूर मौसीकी और फिल्म कैरियर रहा है। वो लोग जो लेट 80s में जवान हुए या जो फिल्म से शौक़ रखते थे वो यकीनन रीना जी को जानते होंगे। जी तो दोस्तों इस मियानी कब्रिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा मज़ारात देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक मज़ार जो है ये हज़रत ख्वाजा फिरोज़ुद्दीन गरीब नवाज़ का है, और ये इस जो दरबार है इसका निज़ाम चिश्तिया सोसाइटी के ज़ेरे असर चलाया जाता है। जी तो दोस्तों इस वक्त हम मियानी साहब में मौजूद हैं और मशहूर शख्सियात की कब्रों की तलाश में हैं। हमारा मेन मिशन तो था कि शहीद मोहब्बत बूटा सिंह की कब्र तलाश करें, उसकी तलाश अभी जारी है, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है और जो गोरकन हैं उनसे जो मालूमात मिली तो ये जो है मियाँ मोहम्मद बूटा पहलवान जिन्हें के रुस्तम जमा का खिताब मिला, 60 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। 1904 से ये यहाँ मदफून है। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अब तक हमने यहाँ पे जितनी कब्रें देखी हैं उनमें सबसे पुरानी कब्र जो है ये बूटा पहलवान साहब की है, और साथ साथ ये भी बताते चलें कि इनको देव दिल का खिताब भी मिला था। दोस्तों मियानी साहब की जिन मशहूर शख्सियात की कब्रें हम आपको दिखा रहे हैं उन्हीं में से एक कब्र दरवेश शायर सागर सदीकी की है, जिनका एक बड़ा ही मशहूर किताब उनके कब्र पर लिखा है। ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं इनमें कुछ साहिब इसरार नज़र आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं वरना ये लोग तो बेदार नज़र आते हैं। दोस्तों ये दरवेश शायर सागर सदीकी 19 जुलाई 1974 में वफात पा गए थे,
और उनका मज़ार सागर फाउंडेशन के तहत यहाँ बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये मज़ार जो है, ये जो कब्र है ये इनकी असल कब्र नहीं है, बल्कि असल कब्र इनकी इस ये जो अहाता बना हुआ है इस अहाते के अंदर बनाई गई है। तो ये है सागर सिद्दीकी की कब्र। आओ आलमे मदहोशी में एक सजदा करें। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। यहाँ पर आपको एक बात और बताता चलूँ कि पाकिस्तान के मशहूर अदीब और सहाफ़ी मोहम्मद यूनस अदीब की कब्र भी सागर सिद्दीकी के ही कदमों में है, और ये उनकी ख्वाहिश थी कि जब मैं वफात पाऊँ तो मेरी कब्र सागर सिद्दीकी के कदमों में बनाई जाए। यहाँ पर उनके जो कब्र है उसके कतबे पर लिखा शेर ऐसे है कि शाम आई तो एक हसीन चेहरा याद आया, कदमों में सागर के फिर यूनस अदीब याद आया। दोस्तों ये जो कब्र है, यहाँ पर जगह की तंगी की वजह से यूनस अदीब और उनके बेटे मोहम्मद आसिफ अली की कब्र एक ही जगह इकट्ठी बनाई गई है। यहाँ पर आपको एक बात और बताता चलूँ कि मोहम्मद यूनस अदीब जब हयात थे तो वो सागर सिद्दीकी का उर्स सालाना रेगुलर मनाते रहे, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जब वो वफात पाएँ तो उनकी कब्र उनके कदमों में हो। आज उनकी कब्र उनके कदमों में है और सागर फाउंडेशन उनका उर्स हर साल उसी तरह ही मनाता है जैसे कि यूनस अदीब मनाया करते थे। दोस्तों मियानी साहब की जहां बहुत सारी कब्रें हमने आपको दिखाई, वहीं पर हम आज हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के मज़ार पर हाज़िर हुए हैं। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद इस जहान फ़ानी से 31 अक्टूबर 1927 को कूच फरमा गए थे, और उसी मुनासबत से उसी दिन के हवाले से आज हम उनके मज़ार पर हाज़िर हैं। तो जहां आपने इतनी सारी कब्रें देखी वहाँ पर ये गाज़ी इल्मुद्दीन का मज़ार भी आपके सामने है। यहाँ पर आपको सिर्फ़ एक बात बताता चलूँ कि नमूसे रिसालत की खातिर अपनी जान कुर्बान करने का अज़्म जो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद ने अपने पास रखा, उसी अज़्म को ताज़ा रखने के लिए आज हम उनके दरबार पर हाज़िर हैं, और इस बात का इरादा करते हैं कि अगर हमारी नामूसे रिसालत पर कोई भी आँच आई तो हम अपनी जान कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेंगे। जी तो दोस्तों मियानी साहब में जिन मशहूर शख्सियात की कब्रें हम आपको दिखा रहे हैं और जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसी सिलसिले में हम पहुँचे हैं हाजी इकबाल हसन की कब्र पर। वो लोग जो मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही की फिल्में देखते रहे हैं, ये उन्हीं के हम असर थे और उसी दौर में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े खूबसूरत हीरो थे, लेकिन एक कार हादसे में 1984 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस वजह से फिल्म में ये अपना सफ़र जारी ना रख सके। यहाँ पर आपको हम एक और बात बताते चलें कि कपिल राणा की फरमाइश पर बूटा सिंह शहीद मोहब्बत की कब्र भी हम साथ साथ ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश जारी है, और हम आज इंशाल्लाह उनकी वो कब्र ढूंढ कर ही यहाँ से जाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी तो दोस्तों सारे दिन की कड़ी मेहनत के बाद बिल आखिर हम शहीद मोहब्बत बूटा सिंह की कब्र ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। इस कब्र की निशानदही के लिए हमने यहाँ की इंतज़ामिया से रابطہ किया, जो पुराने गोरकन हैं उनसे रابطہ किया, यहाँ का रिकॉर्ड चेक करवाया, और मुख्तलिफ एंगल से तस्दीक करने के बाद हम आपको ये कह सकते हैं कि ये शहीद मोहब्बत बूटा सिंह जी की कब्र है।
यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इनको शहीद मोहब्बत क्यों कहा जाता है, इस बारे में भी हमने यहाँ पर मालूमात लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं मिली। हमारे एक व्यूअर कपिल राणा जी, जिनके कहने पे हम यहाँ पर आए हैं, उम्मीद है कि वो ज़रूर बताएंगे कि इनको शहीद मोहब्बत क्यों कहा जाता है। साथ साथ एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि ये जो कब्र की सूरत हाल है, इसे देखकर हम बहुत सोगवार हैं। इस कब्र की जो बुरी हालत है उसके बारे में हमने यहाँ पे इंतज़ामिया से पूछा है, तो इंतज़ामिया का जवाब ये है कि यहाँ पर कब्रों की देखभाल जो कब्रों वाले हैं, इनके वारसान आकर करते हैं। हमारे जहन में यही है कि शायद इनके वारसान यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, इस वजह से इस कब्र का ये हाल है। और यहाँ की इंतज़ामिया ने हमें ये बात भी बताई है कि बूटा सिंह अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले मुसलमान हो गए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, मैं सिर्फ़ ये आखिर पे कहना चाहता हूँ कि हमारा मियानी साहब का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे अभी बहुत सी और भी नामवर शख्सियात मौजूद हैं जिनसे मुलाकात अभी बाकी है, और हम आपको अपनी अगली वीडियो जो कि हमारा पार्ट 3 मियानी साहब का होगा, उसमें और बाकी जो शख्सियात हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएँगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।